नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे HP के LaserJet Pro MFP M126A प्रिंटर का। दोस्तों यह प्रिंटर मोनोक्रोम प्रिंटर है जिससे कि फोटो स्कैन और प्रिंट कर सकते हैं। इसी का करेंगे अनबॉक्सिंग और उसके साथ ही जानेंगे कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं, कितना स्पीड देता है, स्कैनिंग स्पीड क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले इसको फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और उसको रेडी करके प्रिंट करके भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक पावर केबल मिलेगा और एक गाइड मेन्यू, उसके बाद कंप्यूटर से अटैच करने वाली केबल और यहाँ पे जहाँ पे पेपर रखा जाता है एक ट्रे मिलेगी और इसका एक ड्राइवर सीडी मिलेगी। तो चलिए इसमें देख लेते, इसका सारा स्टिकर हटा लेते हैं। दोस्तों हमने सारा स्टिकर हटा दिया है और ये यहाँ पे पेपर जो प्रिंट होके आता है यहाँ पे होल्ड होता है, यहाँ पे कॉटेज लगता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ के इसे ऊपर उठाएंगे, ये इसमें कार्टेज रखा हुआ है तो हम कार्टेज को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक दख्ता लगा रहेगा और यहाँ से कार्टेज को खींच लेंगे और इस पेपर को भी खींच लेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से लगी होती है तो इसको पहले हम निकाल लेंगे। यहाँ पे कार्टेज में भी दोनों तरफ एक स्टिकर लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है और ये जो मेमोरी है कार्टेज की इस पे लगी होती है। तो इन दोनों को हम हटा लेंगे, ये इस तरह से खींच देंगे हल्के हाथों से तो ये निकल जाएगा। तो इन दोनों को हम हटा लेते हैं और फिर दोबारा हम यहाँ पे लगा देंगे। अब बात करते हैं इस कार्टेज का मॉडल नंबर, तो यहाँ पे क्लियरली 88A या 388A लिखा रहेगा। तो ये कार्टेज का मॉडल नंबर है। जब भी आप कार्टेज खरीदने जाएंगे तो प्रिंटर के मॉडल नंबर से भी मिल जाएगा, लेकिन 88A इस कार्टेज का नंबर है। तो फिर हम ऐसे ही दोबारा इस प्रिंटर में लगा देंगे, उसके बाद ये ढक्कन बंद कर देंगे, फिर ये नीचे से लगा देंगे। ये जो ऑन ऑफ करने के लिए एक पैनल है, इसको अप डाउन कर सकते हैं, तो इस पैनल को आप ऊपर उठा लेंगे जिससे कि आसानी से देखने में सुविधा हो सके। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन मिलेगा जिससे आप मैनुअली ऑपरेट कर पाएंगे। पहले तो इसके फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो इसमें जो स्पीड मिलेगी वो 20 पेज पर मिनट की स्पीड मिलेगी। और जहाँ तक इसके स्कैनर की स्पीड देखा जाए तो इसमें अगर ब्लैक एंड व्हाइट पेपर स्कैन करते हैं तो 7 पेज पर मिनट होगा, और वहीं पर अगर कलर पेज स्कैन करते हो तो 5 पेज पर मिनट होगा। अब इसमें जो सपोर्टिंग पेज लगेगा वो A4 साइज का लगेगा, उससे नीचे जो भी पेपर आप लगा सकते हैं वो लगेगा। उसके बाद एनवलप भी प्रिंट कर सकते हैं, प्लेन पेपर भी प्रिंट करते हैं जिसे A4 साइज बोला जाता है। पहले हम इसको तो इंस्टॉल कर दिए हैं, इसको ऑन करते हैं, उसके बाद इसकी प्रिंट करके देखते हैं कि कितना इसकी स्पीड मिल रही है। वैसे तो कंपनी इसका दावा करती है कि 20 पेज पर मिनट यह प्रिंट करेगी, लेकिन हम देख लेते हैं कि वो एक्चुअल में है या नहीं है। दोस्तों बात करें कनेक्टिविटी की, तो केवल USB के द्वारा इसे प्रिंट दे सकते हैं। अब बात आती है इसके पावर कंजप्शन की, तो LaserJet प्रिंटर में पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है और इस प्रिंटर में जो पावर कंजप्शन होगी जब ऑन होगा रेडी होगा तो उसमें 465 वाट लगेगा। ये प्रिंटिंग जब स्पीड होगी, प्रिंटिंग जब करेगा उस समय का यह पावर कंजप्शन होगा। कॉपी होगा यानी कि जब स्कैन वगैरह करते हैं तो उस समय 110 वाट लगेगा, और वहीं पर अगर रेडी रहता है तो 0.7 वाट की बिजली खपत होगी। तो नॉर्मल प्रिंटर से, इंकजेट प्रिंटर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसका बहुत ही ज्यादा रहेगा, लेकिन लेजर प्रिंटर इसीलिए यूज किया जाता है कि क्योंकि इसकी जो स्पीड है बहुत ही अधिक होती है। इसको ऑन करने से पहले यहाँ पे जो पेपर इनपुट ट्रे होता है उसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, हल्का सा पुश कर देंगे तो इस तरह से अंदर घुस जाएगा और इसको अप डाउन करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो यहाँ पे A4 साइज का पेपर रख के आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम रख के आपको दिखा दे रहे हैं। ये पेपर है तो इसको थोड़ा सा और कर देंगे जो पेपर साइज आ जाएगी, और इसको थोड़ा सा बाहर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब पहले हम पीछे की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद आगे इन पैनलों के बारे में समझते हैं। पीछे का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे HP का लोगो मिलेगा, यहाँ पे पावर केबल लगाने के लिए मिलेगा जिसको हम प्लग इन कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए केबल लगेगी इस तरह से। अब चलते हैं आगे और इसको पावर ऑन करते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं।
दोस्तों यहाँ पे ऑन करने के लिए पावर बटन ये साइड में दिया हुआ है, तो यहाँ से पावर ऑन करेंगे। ये प्रिंटर ऑन हो चुका है, ये प्रिंटर ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। जब भी पावर वाली बटन ऑन करेंगे तो कुछ समय लगेगा, ये वाली लाइट और ये जो एरर वाली लाइट दोनों ब्लिंक करेगा। उसके बाद करीबन एक मिनट या एक मिनट से थोड़े से कम समय में ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये सिंगल लाइट जलने लगेगी और यहाँ पे वन देगा, और यहाँ पे दो बटन मिलेगी जो पेपर की काउंटिंग बढ़ाया और घटाया जा सकता है। एक बार में यहाँ पे 99 पेज आप दे सकते हैं, हम इसको घटा के दिखा दे रहे हैं। ये मैक्सिमम 99 पेज तक यहाँ पे पेपर को एक बार में जेरोक्स कर सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे कॉपी स्कैन करने के लिए बटन दिया हुआ है, और कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कैंसिल बटन है। तो चलिए पहले हम कॉपी करते हैं, तो कोई पेपर हम रख लेते हैं इसके अंदर, एक पेपर है HP का ही, हम इसके अंदर रख देते हैं। और उसके बाद ये वाली बटन हम सिंगल पेज करते हैं, तो वैसे हम इसको बढ़ा लेते हैं, हम 5 पेज करते हैं। उसके बाद इसमें समझ में आ जाएगा कि स्पीड इसकी क्या आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड है, बहुत ही अच्छी स्पीड है, जो कि एक मिनट में 20 पेज निकाल सकती है। जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। इसमें जो कार्टेज लग रहा है जो 88 है, इसमें 80 ग्राम का पाउडर लगता है, जो कि मैक्सिमम एक कार्टेज में अगर एक फर्स्ट टाइम में रिफिल करते हैं तो वो 1000 मैक्सिमम 1000 पेज तक यह प्रिंट करेगा। यानी कि आपका 200 खर्चा होगा रिफ़िल कराने में, अगर खुद रिफ़िल करते हैं तो 100 रुपये में यह रिफ़िल हो जाएगा, अगर किसी और से कराते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो 200 रुपये में आप 1000 पेज इस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप CD से अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपके लैपटॉप में राइटर नहीं है तो आप ऑनलाइन इसके HP के साइट पर जाकर HP सपोर्ट एंड ड्राइवर पर जाकर इसका मॉडल नंबर डालेंगे, वहां से इसका ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका इंस्टॉल करने का तरीका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो यूज कहां कहां पे होता है, तो इसको पर्सनली भी यूज कर सकते हैं और ऑफिस पर्पज़ पर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रिंटर का जो मंथली अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 8000 पेज का है तो आप इस प्रिंटर को ख़रीद सकते हैं। अगर उससे अधिक का रिक्वायरमेंट है तो इस प्रिंटर को ना खरीद के दूसरे प्रिंटर को आप खरीद सकते हैं। दोस्तों इस प्रिंटर में एक अच्छी बात यह है कि यदि आप इसको ऑन किए हैं, प्रिंट कर लिए, उसके बाद कुछ 10 मिनट 5 मिनट के लिए रुकना पड़ रहा है तो यह प्रिंटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, और जैसे ही दोबारा इसमें पेज डालकर कॉपी वाले बटन पर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन होकर प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी एक यह खास बात है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर देखिए दोस्तों इस समय प्राइस का बहुत ही लोचा है, क्योंकि अगर मार्केट में इसके जाएंगे तो करीबन लगभग 16,000-16,500 के रेंज में मिलेगा, लेकिन जो ऑनलाइन इस समय खरीदारी हो रही है मार्केट से थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में ये 16,000 से कम रेट में भी मिल जाएगा। यदि दो क्वांटिटी खरीदते हैं तो उससे भी कम रेट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।